तो गाइस देख सकते हैं किसके से पहले वाला ब्लॉग था मंदारमणि का। अभी मैं यहाँ आ चुका हूँ दीघा में, जो मंदारमणि से 35 किलोमीटर दूर है। देख सकते हैं यहाँ काफ़ी ये पब्लिक प्लेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। यहाँ पे आप देख सकते कभी भी आएंगे, अभी तो शाम का समय है, वही 5:30-6 बज रहा। आप देख सकते हैं कितना यहाँ क्राउड है, कितना इन्जॉयमेंट यहाँ होगा। काफ़ी बढ़िया मौसम है, तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग मिशन कंप्लीट वाईटी में। आज हम कवर करने वाले हैं दीघा का पूरा फुल व्यूज, मॉर्निंग व्यूज का दीघा कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था मंदारमणि पे, स्पेशली मेरा ब्लॉग बना था मंदारमणि पे, तो आप लोग ने उसे देखा भी था काफ़ी पहले, कुछ टाइम पहले ही वीडियो रिलीज करा था मैंने मंदारमणि वाले ब्लॉग को। तो उसमें आप लोग का कुछ ज़्यादा फीडबैक आया नहीं था, आप लोगों ने कुछ ज़्यादा प्यार दुलार दिया नहीं था उस पर। आपसे उम्मीद करते हैं कि ये वाली वीडियो जो दिखा है स्पेशल ब्लॉग है, ये आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अगर नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही आप लोग के लिए अच्छा अच्छा वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। अभी तो इससे पहले भी जो बना था मंदारमणि के लिए, वो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो था, उसका पूरा वीडियो आना बाकी है। अभी ये देख रहे हैं आप दिखा कितना प्यारा व्यूज है, मॉर्निंग व्यूज देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा दिख रहा है, क्या पानी छलकते हुए आ रहा है। देखो मेरे दोस्त यहाँ मस्ती कर रहे हैं, यहाँ देखिए मॉर्निंग कैसा दिख रहा है, यहाँ दिख रहा था। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यूज है यहाँ, इतना सुनहरा मौसम है, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। आप लोग भी अगर जाएंगे, अगर आप लोग भी जाएँ तो बड़ा इंजॉय करेंगे यहाँ। सुबह के टाइम बड़ा अच्छा लगता है यहाँ, मज़ा आता है, क्या मौसम रहता है यहाँ का एकदम। यहाँ पे सनराइज़ देखने का तो मज़ा बड़ा ही अच्छा लगता है, सनराइज़ भी देख आप देखेंगे एकदम दिल खुश हो जाएगा यहाँ का। सनराइज़ भी आप जाए मज़ा लें, और ये भी इवनिंग में भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, थोड़ा सा क्राउड रहता है ज़्यादा। मॉर्निंग में तो क्राउड कम रहता है, लेकिन इवनिंग में क्राउड ज़्यादा रहता है। वहाँ मॉर्निंग में जाए तो ये थोड़ा सा क्राउड कम मिलेगा आपको, ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे। इवनिंग में है थोड़ा सा ज़्यादा क्राउड रहता है, उस टाइम आप वहाँ इन्जॉय बहुत कम कर पाएंगे, सिर्फ वहाँ घूम सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे 5-6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद नहीं, यहाँ पे अंदर जाना अलाउड नहीं रहता है। 6 बजे के बाद आप यहाँ नहा नहीं सकते हैं। 6 बजे से पहले अगर आपको यहाँ पे नहाना वगैरह हो तो 6 बजे से पहले आप नहा सकते हैं। तो आप लोग को कैसा लगा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो